ये मौका दिया। मैं ये भेदभाव जो देश के अंदर चल रहा है, आज कहीं मराठे आरक्षण मांग रहे, कहीं पटेल मांग रहे, कहीं कप्पू मांग रहे, कहीं जाट मांग रहे, आपके सामने सारी बरादरियां जिनकी जिन जिन स्टेटों में राज रहा वो सबके सब आरक्षण मांग रहे, तो क्यों ना ये आरक्षण 100% जनसंख्या के अनुपात में सबका हिस्सा सबको दे दिया जाए। इसके पक्ष में कितने हैं राजेंद्र घुमा भाई, 100% आरक्षण के पक्ष में कितने लोग आगे, सबका हिस्सा सबको मिले। अगर सबका हिस्सा सबको मिल जाए, सबकी जेब में पैसे आ जाए, सबकी जेब में रोजगार आ जाए, तो ये देश तब आगे चलेगा। चार आदमी के अमीर बनने से 96 लोगों का या एक आदमी के अमीर बनने से 99 लोगों का उपकार नहीं हो सकता। आज देश के 200-250 परिवारों ने देश के सिस्टम को हाईजैक कर लिया। आज हुड्डा का या चौटाला का मुकाबला तुम नहीं कर सकते, हम इकट्ठे होकर के कर सकते हैं या नहीं कर सकते भाई। जो भेदभाव हमने देखा, मैंने बंसीलाल के सरकार में देखा भेदभाव, चौटाले की सरकार में भेदभाव देखा, दोनों बार मिनिस्ट्री छोड़ करके। जब आपके लोगों को एक चपरासी की भी नौकरी देना नहीं लोग चाहते, तो फिर हमारा उस राजनीति में रहने का लॉजिक क्या है? आज जो भी एमपी एमएलए बनता है उसकी एक सोच बन जाती है, बड़ी मुश्किल से एमएलए बना, बड़ी मुश्किल से एमपी बना, अब जो लूटा जा सो लूट, पता नहीं कल दोबारा मौका लगेगा या नहीं। इस बात को लेकर के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, और समाज और देश कहीं दिखाई नहीं देता लोगों में। ये जो भी एमपी एमएलए हमारे आए, इन लोगों ने सुहाए अपने घर भरने के अलावा और कुछ नहीं किया। सारा हरियाणा जल रहा था, कोई एक आदमी ने विरोध किया भाई नहीं, जितने 800 एमपी बैठे थे आपके सामने होया। आज सुरजेवाला हो या चांदवाला हो, आपके सामने ये कहां थे जो आज कह रहे बैकवर्ड का हिस्सा देंगे? जिन सरकारों में हमारा हिस्सा लूटा, ये बैकवर्ड के लोगों को सिर्फ ये खुलासे आरटीआई के, बैकवर्ड के हिस्से लोगों को 52% जब मंडल आयोग की रिपोर्ट थी, जिन लोगों को 52 हिस्से मिलने चाहिए थे उनको तो मिले 12, और वो भी मिले चपरासियों और क्लर्कों में। अब आप भाषण कांग्रेस वाले बीजेपी पर दिए जाएंगे, बीजेपी वाले कांग्रेस और इनेलो पर दिए जाएंगे, आपका बना के रखेंगे फुटबॉल। मेरी आपसे हाथ जोड़ का विनती है, जब तक इस देश में ये चार बातें नहीं होंगी, सबका हिस्सा सबको नहीं मिलेगा, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। एक परिवार में एक रोजगार, एक में लग रहे 10 और एक में नहीं लगा एक भी, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। एक परिवार एक रोजगार, 100% आरक्षण, किसान और मजदूर की 65% आबादी है। अगर ये सारी मनरेगा स्कीम जिसमें 250-300 रुपये मजदूर के नाम के ठगे जाते हैं, आधे पैसे अफसर खा जाते हैं, आधे पैसे बिचौलिए खा जाते हैं, जो तीसरा चौथा हिस्सा है वो मजदूर के खाते में जाता है, अगर इन्हीं सारे मजदूरों को किसानों से जोड़ देते तो किसानों का भी भला हो जाता और मजदूर को भी दाढ़ी दोगुनी मिल जाती। लेकिन हमारे देश के अंदर भाई भाषण लोग देते रहे, हमारे साथ ठगी करते रहे, जब तक इस देश में हम दो हमारे दो 100% आरक्षण, किसान और मजदूर की इकट्ठी रोजगार नीति नहीं आएगी, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। और हमारे साथ जो ठगी करने वाले परिवार हैं वो आज फिर आपके सामने चुनावी समर के अंदर उतरे हुए, इनको पूछोगे या नहीं पूछोगे कि हमारा हिस्सा 12 क्यों, 18, 50 और 55 क्यों? अरे पूछोगे कि नहीं पूछोगे? तो बस मैं इतना ही बात अपने पाप से पूछना चाहता हूँ कि अब हम आप पे कैसे इतबार करें जो आप लोगों ने हमारे को यूज किया और फेंक दिया। बस ज्यादा बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ना तुम्हारे सेमा मिलिट्री, ना तुम्हारे सेमा जुडिशरी, ना तुम्हारे सेमा शासन, ना तुम्हारे सेमा प्रशासन, ना तुम्हारे सेमा ठेके, ना तुम्हारे सेमा गैस एजेंसियां, अपना जगन्नाथ कमाओ और खाओ ये तो सारा संसार करता है, लेकिन जो लोग कमाए हुकुम नहीं खान देते और सारे प्रदेश को आग लगा दें, सारे लोगों के घरों को जला दें और बच्चे मार दें
और फिर उसके ऊपर से राजकुमार के ऊपर आरोप लगाए, राजकुमार सैनी भाईचारा खराब कर रहा। अरे मैं भाईचारा नहीं, भाईचारा भाइयों को समझा रहा हूँ, 100% आरक्षण में मैंने किसी का भाईचारा खराब करा भाई? नहीं। जो लोग ये बात आरोप लगाते हैं, एक सबसे ज्यादा मैंने किसान की बात करी है, किसान तो सबसे ज्यादा वही लोग चिल्लावे, हम दो हमारे दो जमीन ना बटा सबसे ज्यादा वही लोग जाने, एक परिवार एक रोजगार में मैंने कौन सी जाति का विरोध कर दिया? लेकिन लोगों ने एक हवा बना रखा, अपनी बता रहे वोटा 56,000, अगर 56 हम 3 से जर्ब करेंगे तो कितना होगा? 1,68,000। अरे आप 3 से जर्ब करेंगे 56,000 बता रहे वोटा, 56,000 वोटा अगर एक ही समाज की है तो 1,68,000 वोट है तो हर तीसरा आदमी होना चाहिए। ठीक बात है। अरे हर तीसरा आदमी होना चाहिए ना, तो फिर इस सारे जींद के अंदर शहर में कौन से मोहल्ले में उनका तीसरा आदमी है, कौन सा वो एरिया है जहां भाई लोग कह रहे हैं सारा ही क्षेत्र हमारे हमारे लोगों का है? सुवाए एक अर्बन स्टेट के 25-30% या 40% या 50% भी मानो 5,000 10 बूथों के ऊपर अगर 10,000 वोट होंगे तो 5,000 लोग 25 गांव है, 12 गांव में तो समाज के लोग बसते नहीं उनके, और 25 गांव में अगर हैं तो आपके सामने उन 25 गांव में अगर 50% भी मान लिया जाए तो 50,000 वोट में से 25,000 और 5-4,000 तो 25-30,000 वोट को लोग अपनी 60,000 बताने लगे, आप लोगों की वोट 20,000 के 10,000 बताने लगे। ये भ्रम और अफवाहें, अफवाहों से बचो, झूठ से बचो और जो मिथ्या प्रचार है उससे बचो। आप लोग हकीकत में जिए, किसी के मिथ्या प्रचार का शिकार मत बने। हमारे देश के लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हमारे सब भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि किसी तरह का भी मिथ्या प्रचार हो उसके आपके आप मिथ्या प्रचार के शिकार मत होना, अफवाहों से मत घबराना, अपनी वोट सवेरे सवेरे ऑटो रिक्शा के निशान के ऊपर डाल करके आसरी जी को तुम कामयाब बना दो। मैं 2019 का आपके सामने 50 से 70 MLA बनाकर सरकार बनाकर दिखाऊंगा और इस हरियाणा से स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि लो हरियाणा से हो गया 100% आरक्षण, आज के बाद कोई नौकरी मिलेगी तो जनसंख्या पे आधारित मिलेगी। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ कर विनती है, जब तक तुम नहीं जागोगे लोग आपको इसी तरह फुटबॉल बना करके इस्तेमाल करोगे, तो इस वास्ते आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए? हाँ जी तैयार है जी, बिल्कुल तैयार है जी। आप संकल्प लेते हैं इस बात का कि हम राजकुमार जी अब की बार राजकुमार सारे भाई पीछा भी खड़े हैं, जो लोग चाहते हैं कि राजकुमार जी आपकी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार आश्री जी को जिताना चाहते हैं, इसका हम संकल्प उठाते हैं, हाथ उठा करके संकल्प लेते हैं। वो जो है ना सारे भाई, आप सभी का हाथ जोड़कर भाइयों और बहनों का धन्यवाद, नमस्कार। राजकुमार सैनी।